हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएम टेक सॉल्यूशंस एडवांस एक्सेल कोर्स। पिछले वीडियो में हमने जो है नेम मैनेजर को देखा था, आज के इस वीडियो में हम फॉर्मूला ऑडिटिंग के देखने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम फॉर्मूला ऑडिटिंग देखने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे अगले आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला ऑडिटिंग होता क्या है, देखिए यहाँ पर फॉर्मूला ऑडिटिंग में हमें यहाँ पर ट्रेस प्रेसिडेंस मिल जाता है, ट्रेस डिपेंडेंस मिल जाता है, यहाँ पर रिमूव एरोज मिल जाता है, सो फॉर्मूला, एरर चेकिंग, इवेल्युएट फॉर्मूला, वॉच नाउ, यहाँ पर बहुत से ऑप्शंस हैं। तो उन सभी को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला ऑडिटिंग होता क्या है, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास नंबर है और यहाँ पर इस नंबर को, इन सभी नंबर को हमें इससे मल्टीप्लाई करना है, तो उसके लिए हम सिंपली यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाएंगे। इस रेंज को हमें सिलेक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है इस वाले रेंज से, ठीक है। तो हम यहाँ पर इंटर बटन प्रेस करेंगे, ये दोनों तो मल्टीप्लाई हो गया, लेकिन जब आप ड्रैग करते हैं तो देखिए ड्रैग करने पर इसमें तो हमें आंसर नहीं मिल रहा है। अभी आंसर क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पर ये वाला जो है इसको भी हमें इसी से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पर जो ये 15 है, ये वाला जो सेल है इसको हमें इससे मल्टीप्लाई करना है, तो उसके लिए हमें ये वाला जो रेंज है इसको हमें फिक्स करना होगा। ये जो सेल का रेंज है इसको हमें फिक्स करना होगा, ये जो सेल है, ये जो हमने C2 सेल सिलेक्ट किया है इसको हमें फिक्स करना है। फिक्स करने के बाद जब आप इसको ड्रैग करेंगे तो देखिए आपका जो आंसर होगा वह बराबर मिल जाएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखिए जब आप डबल क्लिक करते हैं तो फॉर्मूला देखिए कैसे अप्लाई हुआ है। तो यहाँ पर ये रेंज है और यहाँ पर ये जो इसको सेल को सिलेक्ट किया गया तभी इसको मल्टीप्लाई किया गया है। यहाँ पर देखिए हमें ट्रेस प्रेसिडेंट होता क्या है, जैसे यहाँ पर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पर हमने देखिए 30 और यहाँ पर 15 को मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पर ये 450 आया है। यदि हम इस रिजल्ट को सिलेक्ट करके रखते हैं और यहाँ पर ट्रेस प्रेसिडेंट पर क्लिक करते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ पर आपको एक एरो दिखाई देगा कि ये जो रिजल्ट है ये कहाँ से आया है, ये 30 सेल से और 15 सेल से जो है यहाँ पर जो है यहाँ पर ये जो रिजल्ट है वह आया हुआ है। उसी तरह जैसे यहाँ पर ये 900 जो आया है तो ये कहाँ से आया है, इसको हमें जो है ट्रेस करना है, तो इसको हमें सिलेक्ट करके रखना है और यहाँ पर आपको ट्रेस प्रेसिडेंट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए ये 60 से और यहाँ पर 15 से इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो है यहाँ पर 900 आया है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ट्रेस प्रेसिडेंस कर सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये किस पर डिपेंड कर रही है, ठीक है, ये कहाँ से आया है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब उसके अलावा यहाँ पर आपको हम यहाँ पर रिमूव एरो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम एरो को भी रिमूव कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन है ट्रेस डिपेंडेंट। ट्रेस डिपेंडेंस क्या होता है, जैसे यहाँ पर देखिए ये 15 है, ये 15 किस किस वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर जैसे हमने इस सेल को सिलेक्ट किया और यहाँ पर आपको ट्रेस डिपेंडेंस पर क्लिक करना है, ये जो 15 है ये किस किस वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इन सभी वैल्यू पर ये जो नंबर है, यहाँ पर ये जो वैल्यू दिया गया है इन सभी वैल्यू पर ये जो 15 है वह पर डिपेंड कर रहा है। उसी तरह यहाँ पर ये 90 है, ये किस पर डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पर आपको ट्रेस डिपेंडेंस पर क्लिक करेंगे, ये जो है 90 जो है यहाँ पर ये जो वैल्यू है 1350 इस पर जो है डिपेंड कर रहा है। तो आप इसको ट्रेस कर सकते हैं यहाँ पर आपको, इसलिए यहाँ पर एरो की तरह आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर एक एरो आपको सिलेक्ट करके मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए एरो से आपको शो करेगा कि आपको ये जो वैल्यू है कहाँ पर जो है किस पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर आप रिमूव एरो पर क्लिक करेंगे तो जितने भी एरो रहेंगे आप रिमूव कर पाएंगे। उसी तरह यहाँ पर देखिए शो फॉर्मूला का एक ऑप्शन मिलता है, तो ये शो फॉर्मूला क्या करता है, यहाँ पर आपको जैसे यहाँ पर फॉर्मूला हमने दिया है तो हमें फॉर्मूला को देखना है, तो इसको आपको सिलेक्ट करके रखना है इस सेल को और यहाँ पर शो फॉर्मूला पर क्लिक करेंगे तो जहां जहां भी फॉर्मूला लगा होगा आपको वहां पर फॉर्मूला दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखिए शो फॉर्मूला पर क्लिक करते हैं, हमें जहां पर भी फॉर्मूला लगा हुआ है वह फॉर्मूला हमें यहाँ पर शो कर रहा है। इसको आपको वापस क्लोज करेंगे तो यहाँ पर ये फॉर्मूला जो है वापस हाइड हो जाएगा। यहाँ पर एरर चेकिंग का एक ऑप्शन मिलता है, तो एरर चेकिंग क्या होता है कि जैसे आपने कोई एरर कर दिया, कोई फॉर्मूला कोई मिस्टेक हो गया, तो उसको यहाँ पर आप एरर चेकिंग पर क्लिक करके उसको चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर इवेल्युएट फॉर्मूला का ऑप्शन मिल जाता है, तो फॉर्मूला को आप इवेल्युएट कर सकते हैं कि फॉर्मूला कहाँ कहाँ से आया हुआ है। जैसे हमने इस सेल को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर इवेल्युएट फॉर्मूला पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए इवेल्युएट का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए मिल क्या रहा है। तो हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, आपको दिखाते हैं, यहाँ पर हमने जूम कर दिया है। अब यहाँ पर इवेल्युएट में आपको क्या मिल रहा है कि जो पहला जो सेल है वह क्या दिखाई दे रहा है, 30। वापस से हम यहाँ पर इवेल्युएट पर क्लिक करेंगे, ठीक है, या वापस से हम यहाँ पर इवेल्युएट पर क्लिक करेंगे तो दूसरा जो सेल है यहाँ पर मल्टीप्लाई हमने दिया, फिर दूसरा जो हमने सेल सिलेक्ट किया वो 15 है। वापस से इवेल्युएट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको उसका रिजल्ट दिखाई दे रहा है, तो दोनों को मल्टीप्लाई हुआ वह 450 आया। तो इस तरह से आप यहाँ पर उसको इवेल्युएट कर सकते हैं, जो भी आपने फॉर्मूला दिया, आपका बहुत बड़ा फॉर्मूला है तो आपको एक एक करके फॉर्मूला को इवेल्युएट करना है, तो वहां पर आप जो है उसको देख सकते हैं।
और दूसरा तरीका होता है फॉर्मूला को इवेल्युएट करने का। तो वहां पर आप इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर देखिए जो भी यहाँ पर फॉर्मूला आपने दिया है उस पर्टिकुलर सेल को आप देखना चाहते हैं, इवेल्युएट करना चाहते हैं, तो उसको सिलेक्ट करेंगे और F9 बटन प्रेस करेंगे तो उसका जो रिजल्ट होगा वहां पर आपको दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसका रिजल्ट क्या है, ये 30 है। तो सेल का जो जो भी आपने फॉर्मूला वहां पर दिया है उस फॉर्मूला का क्या रिजल्ट है वह उसी फॉर्मूले में आप देख सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल जेड करेंगे तो वापस वो फॉर्मूला आ जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से यहाँ पर हम फॉर्मूला ऑडिटिंग ऑप्शंस का यूज करते हैं। उसके अलावा यहाँ पर वॉच विंडो का भी ऑप्शंस मिल जाता है, तो यहाँ पर आपके जितने भी विंडोज होंगे वह यहाँ पर शो करेंगे। तो यहाँ पर फॉर्मूला ऑडिटिंग में जो सबसे जरूरी होता है वह हमारे लिए यहाँ पर ट्रेस प्रेसिडेंस, ट्रेस डिपेंडेंस होता है, जो कि हमने देख लिया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से हम फॉर्मूला ऑडिटिंग का यूज करते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।